हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा अशोका लेलैंड कंपनी से हिमाचल के लिए नई BS 6 मॉडल की बसें खरीदी हैं, जिनमें से 195 बसें नालागढ़ डिपो को भेजी गई हैं। पर नालागढ़ में अशोका लेलैंड की एजेंसी के पास जगह न होने के चलते सभी बसों को बद्दी में HRTC की खाली पड़ी जगह पर खड़ा किया गया है, जिसमें आज सुबह बारिश का पानी भरने से सभी बसें जलमग्न हो गई, जिसकी लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसमें लोग प्रदेश सरकार और HRTC विभाग को खरी खोटी सुना रहे हैं। जब इस पूरे मामले पर HRTC डिपो नालागढ़ के RM हरपाल सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 195 नई बसें आई हैं, जिनमें से 118 बसों का निरीक्षण करके अलग अलग डिपुओं के लिए भेज दी गई हैं, जिनमें से बची हुई 77 बसों का इंस्पेक्शन होना अभी बाकी है। और एजेंसी के पास नालागढ़ में जगह न होने के चलते इन बसों को उनके द्वारा बद्दी में डिपो की जमीन पर खड़ा कर दिया गया है, जहां पर हर साल बरसातों में पानी भर जाता है और HRTC द्वारा अभी तक उन बसों को कब्जे में नहीं लिया गया है। अगर बसों में खराबी आती है तो उसकी जिम्मेवारी एजेंसी या कंपनी की ही होगी। वहीं बद्दी डिपो पर मौजूद कंपनी के कर्मचारियों से जब इस बारे में बात करनी चाही तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी करने लगे। अभी ये HRTC गाड़ियाँ जो आई है, अभी इनकी इंस्पेक्शन वगैरह होनी है। अभी ये अपने HRTC के कब्जे में इनको प्रशासन नहीं दिया गया है, और जैसे ही इनका प्रशासन HRTC को मिलेगा, गाड़ियाँ वैसे ही अलग अलग डिपो को अलॉटमेंट कर दी जाए, कर देते हैं इनकी। इससे पहले भी लगभग 118 के लगभग गाड़ियाँ अलॉटमेंट हो गई है, और कुछ बाकी टोटल 195 गाड़ी है, उनमें से 118 हो गया और 70 गाड़ी रह गई है। इसके नुकसान तो अभी गाड़ी का कोई नहीं है, वैसे पानी में तो गाड़ी का कोई नुकसान नहीं हो गया, टायर ही गाड़ी के पानी में है। तो आपको पता ही है वहाँ नालागढ़ में थोड़ी अभी इनके पास जगह कमी है, इसलिए वे इन्होंने हमारी जो HRTC की पार्किंग है, जहाँ अभी पार्किंग नहीं कह सकते उसको, है तो बस स्टैंड की जगह पर, लेकिन अभी उसको डेवलप नहीं किया गया, वहाँ बस स्टैंड बनना है, तो वहाँ पानी साथ में नाला है, वहाँ से पानी आ जाता है बरसात के दिनों में, इसलिए वो पानी वहाँ चले जाता है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।